साथ में घूमना, हम काम काम और सेवा शायरी ज्यादा करते थे, काफी प्रेजेंटेशन साथ दी, काफी बहुत ज्यादा मेमोरीज है हमारी साथ में। अब हम मिलकर के बोलते हैं कि वही दिन अच्छे थे, अब बड़े व्यस्त दिन है और इन शरारती करने का समय होता नहीं। अब वहां से कई कमिटीज में रहे, काफी बड़े बड़े काम किए, बायोलॉजी शुरू की और उसके बाद आप मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक टर्म पूरा कर चुके हैं, आपका दूसरे टर्म पूरे करने पर वहां का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है काफी पुराना, काफी विकसित है, उसके 13 डिविजन्स में 13 रीजनल ऑफिस हैं और एक ऑफिस इतना बड़ा है कि यहाँ के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 7-8 से गुणा कर दो जब भी नहीं मिल पाएगा, इतना बड़ा है यूथ वर्ग। और मुझको तो वहां जाके, पहले मुझको आइडिया नहीं था, पर एक दफे मुझको भी यहाँ पर कहा गया था कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ज्वाइन करो, एक दफे यहाँ बड़ी हालत खराब हो गई। मैं ये सोचता था ये तो ऐसे ही छोटा सा क्या है ये नेहरू नगर में, तो जब मैंने मध्य प्रदेश में सीरियसली गया जब मैं, तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ तो साफ कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नई स्टेट है, यहाँ सिस्टम सभी बंद है। डॉक्टर शुक्ला और हमारा साथ काफी पुराना है, आपने कई नई चीजें मध्य प्रदेश को और देश को दी, तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वही बात हर्बल ड्रग्स अपॉर्चुनिटी, ये हम सालों से यहाँ पर एक आपस में शासन कर रहे हैं, हमारी एक बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर ये भी है कि रिसेंट टाइम्स कि हम लोग अपने जो ये जेनेटिक रिसोर्सेज जो अवेलेबल होता है हम इनकी फार्माकोलॉजी नहीं करते, और करते भी हैं, अवर अल्टीमेट एम इज टू पब्लिश अ पेपर। इफ यू डिटरमाइन फॉर एग्जाम्पल वन अश्वगंधा टू फाइंड नियरली 22,000-23,000 पेपर्स, सो फार एज डॉक्टर फारूक सेड वी कुड नॉट कंक्लूसिवली कन्विंस अवर इवन द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट जिनसेंग इज नॉट अ बेटर चॉइस इफ वी कंपेयर इट विद अवर अश्वगंधा, बिकॉज द जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो वेरोसिटी है इन सर्टेन एरिया, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश इज वेरी हाई, कहीं ऐसा भी ये उगता होगा जहां पे इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कम होगा, तो जिन लोगों को फायदा नहीं होता होगा ये सोचते होंगे ये ऐसे ही, लेकिन जिनसेंग को जब मार्केट में उतारते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीएमसी कंपनी का जिनसेंग आप ले लीजिए, यह है बेंचमार्क, उससे नीचे वाले को फेंक देंगे लेकिन मार्केट में नहीं उतारते। देयरफॉर वी हैव अ फेथ चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अदर काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिकॉज मार्केट में अनाप शनाप नहीं आने। मैं हरिद्वार में कई से बम्स को जानता हूँ, मीटिंग में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि कई ऐसे वैद्यराज हैं जो खटिया के नीचे दवाई बनाते हैं और खटिया के ऊपर बैठ के लाते हैं, उनको उसकी एफिकेसी उसके साइंस के बारे में पता ही नहीं है, और जब पेशेंट को फायदा ही नहीं होगा तो यही तो कहेगा कि ये सिस्टम कुछ नहीं। जब हम अक्सर बात करते हैं कि मैं अक्सर खासकर बात किया करता हूँ कि जितने ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं एक साथ आ जाए किसी चीज पर काम करेंगे, तो अक्सर यही जवाब मिलता है सीरियस ड्रग मैन्युफैक्चरर्स बड़े कम है। अगर आप फारूक साहब के यहाँ विजिट जाएंगे डालेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी लेबोरेटरी किसी सरकारी संस्थान के पास नहीं है, लेकिन अगर आप आईआईटी रुड़की की जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की डिपार्टमेंट को विजिट कर दिया इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी, यू विल फाइंड दे हैव वर्चुअली एस्टैब्लिश्ड ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन व्हिच इज पॉसिबल इन होता है। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले एक महीने से मैंने भी सैंपल दिए हुए वहां पे, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। इट्स फैलेसी ऑफ साइंटिफिक ब्यूरोक्रेसी कि अब
सैंपल यूं होगा यूं होगा यूं होगा व्हाट आई मीन टू से फॉर एग्जांपल एफआरआई एफआरआई और आईसीएमआर का दो साल ढाई साल पहले एग्रीमेंट हुआ रिगार्डिंग दी फार्माकोलॉजी टेल भी उसमें निकला है क्या हो ये चीजें जो सीरियस नोट है जो हमारे जो इस सिस्टम में जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे फारूक साहब की लैब में जाएंगे मैंने अभी विजिट किया था देयर वाज वन प्रोग्राम फ्रॉम डीएसटी बच्चों को एक्सपोजर करानी है आपकी लैब में टॉप क्लास लेबोरेटरी टॉप क्लास सब अपने ड्रेस कोड में काम करते हैं अपने लैब में कैसे बैठते हैं कैसे आपको क्वारंटाइन मेजर देखने वहां देख सकते और आपने एक बड़ा अच्छा एक फारूक साहब जो बड़ा जोरदार सुनाते हैं सुनाया नहीं इन्होंने एक प्लांट दिखाया जो क्यूसी था प्रोडक्शन का क्यूसी वहां सब मशीनें चल रही थी आदमी एक नहीं तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक जोक कि एक लैब में कुत्ता सर्विस प्रो है सर्विस प्रो सर्विस एक कुत्ता और एक आदमी की नौकरी लगी हुई थी बस कहना आदमी का काम तो ये था कि कुत्ते को देखेगा पर आप ये बताया कि कुत्ते का काम क्या था आदमी का क्या काम था कि कुत्ते को खाना खिलाए भूखा न मर जाए और कुत्ते का क्या काम था कुत्ते का काम ये है कि यहाँ कोई आदमी ना घुस जाए कुत्ते तो आई एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ फारूक इन्विटेशन टू यू ऑल गाइस सीधी इसीलिए हिमालय का जो आउटरीच आज 60 देशों में गई हंड्रेड कंट्रीज में आपके आउटरीच चाइना को छोड़कर उस तरीके का सीरियस बिजनेस अगर सब करें तब तो वो एक साथ हो सकते हैं और एक लेवल का ड्रग मार्केट में ला सकते हैं लेकिन अगर वो सीरियसनेस नहीं होगा और इसीलिए यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं कि इस सीरियसनेस को क्योंकि देखिए जिस आदमी ने अपनी नौकरी कर ली जिस आदमी ने अपना पीक खत्म कर लिया है वो कभी नहीं सुधरेगा आप मेरे को सुधारना चाहोगे आप मैं तो नहीं सुधरू तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर यंग जनरेशन फारूक साहब की एक दूसरी बात और कहना इनके कभी घर जाइए तो अच्छा खासा म्यूजियम है इनका इनकी गाड़ियों की बड़ी एंटीक गाड़ियां हैं इनके पास घोड़े और क्या क्या ईद के दिन आप मेरे पास बिता तो इनके पास जर्मन कार जो फोक्स वैगन है बहुत पुरानी कार थी जब उसका इंजन पीछे होता था तो उसमें भी इन्होंने सुना है कि साहब एक यहाँ के राजा थे वो जल्दी जर्मन और उसका जो किला था उसने कहा साहब ने ऐसा चेन लगाने को बोला है कि यहाँ क्या चीज अच्छी मिलती है इन्होंने कहा था कार है बनती है यहाँ फॉक्स लगन इसको ले लो उसने ले लिया चलो साहब इसको तेल से कहा घुमाओ हमें तो घुमाया तो तेल भरना भूल गया उसने कहा तेल भरा दे अरे उसने कहा बड़े लोगों की बड़ी गाड़ी है तेल वेल की फिक्र मत करो आप घूम दे तो साहब घूमा गाड़ी खड़ी हो गई उसने कहा क्या बात कर रहे बड़ी बातें हैं गाड़ी खड़ी हो गई उसका तेल वेल चेक करो ना साहब बड़े लोगों की गाड़ियां हैं तो ऐसी चल जाती क्योंकि तो इंजन पीछे था तो उसने बोनट खुलवाया तो देखा उस इंजन ही तो उसने कहा कि भाई इसमें तो इंजन ही नहीं है ये चल कैसे रही उसने कहा बड़ी बड़ी बातें हैं बड़ी गाड़ियां हैं चल देती इतना कोई बाद में उसको पीछे खोला देखा इंजन ये क्या है अरे उसका साहब बड़े लोगों की बात है स्पेयर में डाल दिया है फारूक साहब के यहाँ ये बड़ा आनंद आता है कि आप हर चीज में एक चीज समझाने के लिए बड़ा अच्छा वो करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लाइटर मोमेंट्स व्हाट ही डज द सीरियस बिजनेस ऑल्सो एंड देयरफॉर आई एक्सटेंड ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटेशन एंड फेलिसिटेशन फ्रॉम माय साइड और ये जो
यंगस्टर साइड खासकर इस एरिया में सीरियस काम करें, और अगर कोई बड़ा अच्छा अपना प्रोजेक्ट लेके आता है हमारे पास जिसमें प्रोटोकॉल ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एश्योर्ड हो, तो हम लोग आई वुड ट्राई टू सपोर्ट सच वेंचर जिसमें वो स्टाफ न मांगे, वो कहे कि मैं खुद करूंगा। आजकल एक फैशन ये भी हो गया 25,000 का जेआरएफ ले लो, लड़ झगड़ के दो, एक से गाड़ी चलाओ, एक से सब्जी मंगवाओ, और एक महीने के 50,000 6 लाख रुपए साल भर के तो वो हो गए, और करीबन हमें 10-15 लाख साल भर का पड़ जाता है, निकलता कुछ नहीं। तो मैंने एटलीस्ट वी हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड हियर विद माय सीनियर ऑफिसर, वी हैव कंक्लूडेड इफ वी वुड नॉट अलाउ अवर यंगस्टर टू बी एक्सप्लॉइट लाइक दिस, so DIY, do it yourself. Why don't you do job, your experimental job in laboratory yourself? Why do you ask for a JRF? अपना प्रोजेक्ट बनाइए, पूरा सोचिए आखिरी अंजाम तक पहुंचने का, हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन आप चार चेले, चार उसके चेले कंटिजेंसी दुनिया भर के पैसे मांगेंगे, एक पैसा नहीं मिलेगा, आप अखबार में छपा दीजिए, ये हमने डिसाइड कर लिया है। तमाम देख रहा हूँ, तमाशा हो रहा है जेरा के नाम। अगर कोई सीनियर भी काम करे तो खुद करे, काम क्यों नहीं कर सकते हम, और नहीं कर सकते तो मत करो। तो आप देखिए, अगर आपके इंडस्ट्रियल टाई अप होते हैं, इफ यू आर एबल टू टाई अप इवन विद सम वैद्य, हमारा चल रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वैद्य जी के साथ, 5.5 करोड़ रुपए रिवर्स फार्माकोलॉजी में क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, उस पे हम लोग, यही हमारी फिलॉसफी है, डू इट योरसेल्फ। आपका कैलिबर बढ़ेगा, आप लोग एसेट बनेंगे आगे के लिए, और एक आप अच्छे कल्चर को आगे ले जाएंगे, कहीं के कल्चर को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, यू जस्ट क्रिएट योर ओन कल्चर, और उन परियोजनाओं को लेके आप आइए, तो वी विल सपोर्ट यू, मैं एक पैसा नहीं काटूंगा। लेकिन आज का जो टिपिकल प्रोजेक्ट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक भी सेंसर नहीं करा, सब फाइलें बाहर बंद करी, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी सरकार बाजार से पैसा उठाती है ग्रांट नेट देने के लिए, लोन पे उस पे ब्याज पे, और हम इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं जिससे कुछ नहीं निकलता। क्यों, कल यस्टरडे आई वाज इन टेहरी, एक वर्कशॉप थी वहां पे रेडॉन पे, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, वहां पे एक बहुत सीनियर आदमी आया थे, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट पे रहते थे, इंटरनेशनल डिवीजन बेस्ड में रहते, एंड वी फेल इन अ डिबेट ड्यूरिंग लंच, दैट ही सेड व्हाई नेट इज नेसेसरी फॉर लेक्चरर्स, पीएचडी इज अ प्रोसेस, सो पीएचडी फेलो should be given direct entry for lectureship and not the net. Net is simply a qualifying examination. I said, पहले यही था कि PhD को ही हमारे टाइम तक उसी को lectureship के लिए eligible मानते, इसी जरूरत क्यों पड़ी? जब लोगों ने confidential section को पैसे दे देके लोगों के thesis निकाल के चुरा चुरा के जमा करके PhD लेना शुरू किया, तमाम केस ऐसे हैं, और बड़े बड़े पोस्ट से लोग सस्पेंड हुए हैं इस पायरेसी के, तब भारत सरकार ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया बनाए, हालांकि गलत है नेट का क्राइटेरिया, जो पीएचडी करके जो आदमी को एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक लिखने का लेबोरेटरी एक्सपोज, सेमिनार सिंपोजियम, आपस में बात करने की कॉन्फिडेंस आती है, वो एक नेट एग्जाम पास करके थोड़ी आ जाए, एक दिन में थोड़ी आ जाए, एक प्रोसेस होता है। हम लोगों की हमें पीएचडी अर्न करने में सालों लग गए, इतना रगड़े कि हमें सब समझ आ गया होता क्या, बट द क्वेश्चन इज हु विल मेंटेन द कंक्लूजन। यस्टरडेज डिबेट वाज कपल ऑफ वाइस चांसलर से बिग पीपल, पॉलिसी लेवल पे एक वाइस चांसलर थे जो अभी राष्ट्रपति के साथ नीदरलैंड्स गए टू डिस्कस द सेम इशू, वो भी वहां से ताजा ताजा आकर अपने थॉट दे रहे थे। तो कंक्लूजन वाज कि आप अपनी थीसिस की क्वालिटी खुद ही ऐसे लाइए कि आपके घर में ऑफरों का ढेर लग जाए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, फॉरगेट अबाउट नेट एंड एवरीथिंग, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो
to join a new venture, MNC, what not. You can, you can be your own startup. You can give jobs to others, provided you take kind of oath that you will work very honestly, you will work yourself with all honesty and commitment. So I am here to promote such ventures. कम से कम 10 निकले साल में बजाय फालतू की फौज खड़े करने. तो आयुर्वेदिक हाइट्स और इस पे तो बात आप लोग कर ही रहे हैं, लिखते रहते हैं, छापते रहते हैं. मेरा एक ही मैसेज आप लेकर के जाइए कि अपने आप में कंपनी बन जाए, अपने आप में स्टार्टअप बन जाए. एक अच्छा थॉट लीजिए कि मैं किस चीज को पकड़ू. ये सेक्टर बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का सेक्टर है. अगर आप सीरियसली करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो खाली तुरंत बना के घोट के काम नहीं होगा आज की दुनिया में. क्योंकि आज देखे मैगी देख, खाली लेड कंटेनर से 10 साल पहले 20 साल पहले कौन बॉदर करता था लेड के लिए, क्या पता ही नहीं था, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं था, जो मिल गया खाइए. आज मार्केट, खास करके हम लोग इंटरनेशनल मार्केट, मार्केट ही नहीं है. अगर आप ठंडा पिएंगे तो आपके पास रामदेव का शरबत भी मौजूद है, डाबर वालों का भी है, तो कोको कोला वालों का भी. आपका चॉइस है अक्रॉस द बोर्ड विच वन यू आर गोइंग फॉर. इट्स डजंट मैटर इट कम्स फ्रॉम हॉलैंड, इंग्लैंड और हरिद्वार. व्हाट मैटर्स इज एश्योरेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आते हैं. ये बात हो गई है. तो चूरण का जमाना तब था जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के पास नहीं थी. अब ये जमाना आ गया. तो आपको और हमको इस चीज के लिए, मेरा काम है आपको तैयार करना, आपका काम है तैयार होना. तो आप लोग तैयार होइए इसके लिए. तो वी विल सी दैट हाउ वी कैन, बट हाउ नहीं, आई विल हेल्प यू, दैट्स ऑल, दिस इज माय जॉब, बट डू इट योर जॉब ऑल्सो फर्मली, इट्स ग्रेट कमिटमेंट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. Indeed, we are definitely enriched. We have today enriched ourselves from your bank of knowledge and experience.